मेरा हृदय से नमन है, आप लोग गुस्सा मत करना, मैं थोड़ा राजनीतिक बात के अंदर घुस रहा हूँ, क्योंकि राजनीतिक आप लोग भी करते हो, हम भी करते हैं। जब कोई राष्ट्रीय बनता है ना तो राजनीतिक ते ही बनता है। तो हमारा देश में अभी थोड़ा उथल पुथल है। मैं संपूर्ण हमारे इंडियन वासियों को विनती से नमन करते ही, हमारे नेपाली मीडिया भाई लोगों को भी हिंदी से ही आज मैंने बोलना पड़ेगा। हस नमस्कार। तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जो हमारा चूचे नक्शा 100 के नोट में निकल गया, तो नरेंद्र मोदी के अखंड भारत के पार्लियामेंट हिल गया। नरेंद्र मोदी जी, आपका पार्लियामेंट हिल गया। हम इतने सालों से हिल गए, आपने ही आपको हमको बोला था नेपाल में आके 2014 में आके क्या बोले थे, 100 सालों से नेपाली जनता को गुमराह बना के रखा है। तो मोदी जी 2014 में दिए थे, 2023 में हमको मालूम पड़ गया। वो भी आपको मुबारक हो, आपको बधाई हो, हमारे को समझ में आना देने के लिए आपको बधाई देते हैं। आपके मुलुक में जितने ढोंगी है ना ढोंगी, वो रामदेव और हमारा बामदेव एक ही है। वो रामदेव ढोंगी हमारा सारा पहाड़ खरीद लिया। देखो मोदी, साधु संत का कोई जमीन नहीं होता है मोदी जी। हाँ, तुम्हारा देश में साधु संत कैसे है मैं बता रहा हूँ। तो देखो आज नेपाल का आदि भूभाग तो तुम्हारे रामदेव ने खरीद लिया है मोदी जी। दुनिया के विश्व के जितने भी देश है सबको मालूम है मोदी जी। जिस तरह पीओ के मेरा करके आपने पाकिस्तान को आतंकवादी बना के अंतर्राष्ट्रीय मंच में जाके जब आपने वो फाइल को दिखाया था ना पीओ के बारे में, इसी तरह एक दिन हम फाइल लेके आएंगे आपके पास मोदी जी। ये डर तो आपको भी है, मेरे पीछे नेपाल नहीं छोड़ेगा आप। योगी आदित्यनाथ कमज़ोर बनेगा, आपको बहुत दुख हो रहा है। नेपाल को जल्दी हिंदू राष्ट्र करो, नेपाल को एक प्रांत बना दो मोदी जी। ये नहीं होगा मोदी जी, वो तुम्हारा आरएसएस है ना, ये आरएसएस का ऐसा है ना, हम डरते नहीं है। मालूम है आरएसएस क्या है, हिंदू क्या है ये भी मालूम है, और वैदिक सनातनी ये भी मालूम है मोदी जी, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी मालूम है मोदी जी। आप क्या मर्यादा पुरुषोत्तम बनोगे? नेपाल में आके आपने क्या बोला 2014 ने, मैंने यही आके देवघाट में तपस किया था, मेरे पीछे देने वाला आपका नेपाली बच्चा है, नेपाल मेरा छोटा भाई है, मैं उसको कभी दुख नहीं दूंगा। क्या नाकाबंदी करोगे, गोली ठोकोगे, मारोगे? ये होने नहीं दूंगे। अब हम आ गए मोदी जी, हमारे उम्र के आ गए, आग लगा देंगे आग, नमक छिड़ेंगे नमक। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी यहीं से बने थे मोदी जी। अखंड नेपाल चूचे नक्शा मोदी जी, वो हम आपसे लेके छोड़ेंगे। आज आपने दार्जिलिंग सिक्किम भूटान खा लिया, कालिम्पोंग खा लिया, वहाँ के नेपाली को परदेशी बना दिए आप लोगों ने जमीन कब्जा करके। हाँ, और हमारा एक नंबर प्रदेश भी कब्जा करने को सोच रहे हो, वहाँ के किराती भाई को लड़ा के। ये देश में किराती है जब सनातनी है। गौतम बुद्ध इंडिया में पैदा नहीं हुए मोदी जी, और राम जी का भी कहानी लेके आओगे ना, मेरा 2018 लेके अखंड भारत नहीं बन सकती है मोदी जी। हमारे को मालूम है ये बात, अखंड भारत कैसे बनेगी मोदी जी। बना तो दिए, लेकिन अब होने वाली है लफड़ा। बांग्लादेश कहाँ जाएंगे, पाकिस्तान कहाँ जाएंगे, और चुनाव लड़ेंगे, क्या हो जाएगा मोदी जी। तो चलो नेपाल, नेपाल को बनाओ हिंदू राज्य, और बना दो इंडिया का एक प्रांत, लगा दो आग धर्म का, लगा दो जात का, ये नहीं होने वाला है।
ये भी हम आपको ना हमारा बाले ने तुम्हारा पुंगी बजा दिया ना ग्रेट नेपाल में, उसी दिन तुम्हारा मुट्टू हिल गया था। तुम्हारा डार्क कंपनी कैसा होता है मोदी के नाम में नेपाल में, योगी के नाम में कैसा होता है, साधु के नाम में कैसा होता है, कैसे साधु है तुम लोग, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम नाम के बात करते हो, क्यों गौतम बुद्ध के बात करते हो, आके बड़े बड़े बात करते हो। नेपाल अम्मा के पास तो बड़े बड़े हिमालय माउंट एवरेस्ट अनगिनती है, नेपाल बहुत अच्छा है। और दुबई में जाके बोलते हो हिंदू राष्ट्र हमारा है, ले जाओ तुम्हारा हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र ने मेरा राजा को मारा है, ये हिंदू राष्ट्र ने मेरा सब बर्बाद कर दिया है, मेरा देश है ना मोदी जी, कैमरा घुमाओ मीडिया, ये देखो इधर होता है पशुपतिनाथ और यहाँ पे आके आए हो ना किरातेश्वर महादेव, तो किरातेश्वर महादेव भी है और गौतम बुद्ध भी है। और आप क्या बोल रहे थे, मैथिली राज्य आपको देंगे, मैथिली राज्य, समझ गए, तो ये समझ के रखना हमारा पशुपतिनाथ का ईंट ले जाके आपने पशुपतिनाथ बनाए, हमारा गौतम बुद्ध का ईंट ले जाके आपने लुंगमिनी बना दिए मोदी जी, और हमारा स्टोल ले जाके राम जी बना दिए। वाह 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 मोदी जी, तुम सांस भी लेते हो ना नेपाल के जमीन में लेते हो, तुम्हारे को दुआ है ना ये पशुपतिनाथ दे रही है मोदी जी, लेकिन अगर ये 3 करोड़ नेपाली लोग ठंडे खून से गर्म हो गए ना इंडिया हिलेगा, ये भी समझना जरूरी है। क्यों, मेरे पास पशुपतिनाथ है, मेरे पास सगरमाथा है मोदी जी, और मेरे पास गौतम बुद्ध भी है, और मेरे पास सीता मैया भी है, और पूरब में जाओ बंगाल के बॉर्डर में तुम्हारे देश में भी हमारा किराती राज कर रहे है मोदी जी, हमारे ही किराती राज कर रहे है। लेकिन ऐसा गलत हरकत कभी मत करना, भूल के भी नहीं करना। और इंडियन जनता नेपाल में जितने भी है गुस्सा मत होना, ये राजनीति के आपके राष्ट्रीय के लिए आप जान देते हो ना, हम भी हमारे राष्ट्रीय के लिए जान देते हैं, प्लीज ये बात समझना, ये जरूरी है। जैसा आपके राष्ट्रीय के लिए दिल में दर्द होता है, हमारे राष्ट्रीय के लिए भी हमारा ऐसे होता है। जैसे तुम्हारे घर में लड़की पैदा होती है जैसे मानते हो, हमारे घर में भी ऐसे मानते हैं, ठीक है भाई, और बेटी और रोटी का नाता है। लेकिन दुबई में जाके क्या है, अमेरिका में जाके क्या है, तुम्हारे मुल्क में मेरे बड़े भैया के पास G20 का मीटिंग होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर को मुर्रा दे के बेचता है तू। मोदी जी ये गलत काम मत करना, हम अच्छे अच्छे PhD होल्डर विश्व में नाम कमाए हुए व्यक्ति यो देश को चलाने आ रहे हैं, अपना संस्कृत भी लेंगे, हमारे को छिमेकी राष्ट्र विश्व हमारे को ज़रूरत है, आप भी हमारे को ज़रूरत है, ये नहीं कह रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट के रूल्स में बैठ के अगर ये देश में कोई कुछ भी करना चाहता हो, हम मंगल ग्रह से आने वाला इंसान को भी काम देंगे, रोकेंगे नहीं। लेकिन मेरे राष्ट्र के गवर्नमेंट के रूल्स में बैठ के काम करना पड़ेगा मोदी जी। जिस तरह तुमने गांधी ने घुटना टेक के लिया था ना, उसी तरह ना तुमने भी गिड़गिड़ाना पड़ेगा नेपाल के पास, क्योंकि नेपाल के पास हम कुछ नहीं है, हमारे पास शक्ति है, वो शक्ति तुम्हारा काफी है। जुन नेपाल सरकारले जुन 100 रुपियाँमा चाहिँ नेपालको चुच्चे नक्सा राख्ने भन्ने कुरा आएपछि निकै विवादित बनेको छ। भारतका विदेशी मन्त्रीले पनि निकै जुन विरोध जनाइरहनु भएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता रवि रत्न चुडाल हुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानीमा जोडिन्छौँ। रविजी यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। एकदम हृदयबाट सम्पूर्ण मिडिया दाजुभाइलाई। रविजी पछिल्लो समय नयाँ गठबन्धन जुन सरकार प्रचण्ड केपीको सरकार बने लगत्तै जुन केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि चाहिँ नक्साका सीमा विवादका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु रहनुहुन्थ्यो होइन,
यो वर्ष त 100 को नोटमै चुच्चे नक्सा राख्न लाग्नु भएछ नि, कस्तो लाग्दैछ तपाईलाई? हैन, चुच्चे नक्सा तपाईको कसरी राख्यो त? चुच्चे नक्सा कसरी राखेको छ पहिला त्यो बुझ्नु पर्छ। 100 को नोटमा चुच्चे नक्सा कसरी राखेको छ र 100 को नक्सा कालापानी लिपुले लिम्पिया धुरा ती सबै समेटेर राखेको छ, नेपालको भूमिलाई समेटेर राखेको छ। अनि त्यसमा तपाईको इन्डियालाई आपत्ति किन? पहिला नम्बर कुरा सुन्नु, म एउटा कुरा भन्छु। अघि जस्तो खेलाडीको कुरा एकजना मिडिया दाजुभाइले सोध्नु भएको थियो नि, खेलाडी के अरे तपाईँको धर्मगुरु हिरो हिरोनी, इन्डियाले के चाहन्छ हामी प्रति भनी कहिले पनि नेपाल अगाडि बढेको देख्न चाहँदैन। यो कुरा तपाईँ हामीले विचार गर्न जरुरी छ। इन्डियाले हाम्रो सम्पूर्ण कुरा अपहरण गरिसक्यो, तपाईँहरूले यो पनि ध्यान गर्न जरुरी छ। सम्पूर्ण कुरा आज 18 वर्षको बच्चा पनि के भन्छ भने झापा त बङ्गाल जस्तै भइसक्यो भन्छ मलाई फोन गरेर। ल हेर्नु यहाँ, अब नेपाली भाषा होइन त्यो बङ्गाली भाषा हो भनेर पारित हुन्छ भन्छ मलाई झापाबाट कसैले, कसैले महेन्द्रनगर धनगढीबाट भन्छ, कसैले तपाईँको माथि तपाईँको मनाङ मुस्ताङबाट फोन गर्छ, कसैले सिन्धुपाल्चोकबाट फोन गर्छ भने उनीहरूले के मलाई भन्छन् भने दाइ यहाँ त यस्तो भइराखेको छ, हामीले रोपेको धान इन्डियाले काटेर लान्छ, हामीले रोकेका रुख बिरुवाहरू इन्डियाले काटेर लान्छ, तपाईँको हाम्रो जग्गालाई चाहिँ तपाईँको पुरै बिगौँ बिगा जग्गा कब्जा गरिसक्यो भन्छ। अनि मेरो घर झापा, म झापा जाँदाखेरि हेर्छु त्यो कोसी बिहार कटेपछि इन्डिया आपको स्वागतकर्ता आए भन्छ, सम्पूर्ण गाडी बाइक जति पनि छन् काँकर भिट्टा पुगिन्जल इन्डियन प्लेटका चल्छन्, बुझ्नुभयो? भने हाम्रो पहिचान, हाम्रा पुर्खाको योगदान सबै खेरा गयो। कति खेरा खेरा गयो, चुच्चे नक्सा सुन्नु यता, 1800 जुन 1831 को सन्धि थियो, ती सन्धि भएका कतिपय धर्ममा तामाको भाँडामा पानी र नुन हालेर आज हामी नुन र पानी एकै भयौँ है भनेर गरेका लिपि र ब्रिटिस शासकहरूले गरेको कागज र 1831 को नेपालको सुन्दरता भूभाग को बारेमा जुन लिपि थियो त्यो लिपि आज हाम्रो माझमा छैन, किन? त्यो जलाइयो। कसैका घरमा थियो, कसैका बाक्सामा थियो ती कागजहरू, यो त एउटा सरकारी कागजहरू हो यसरी राख्न मिल्दैन भनेर कतिपय पुराना व्यक्तिहरूका कागज पत्र पनि खोसिए। कतिखेर खोसिए भने जब भूमि सुधार आयो, यो भूमि सुधार आइसकेपछि राजा महेन्द्रको पनि हत्या भयो। सुन मेरा मिडिया दाजुभाइहरू, पशुपतिको किरातेश्वर महादेवको तल बसेर म बारम्बार बोल्ने गरेको छु कि म मेरो घरमा इन्टरभ्यू हुन्छ कि अनामनगरमा हिँड्छ कि किरातेश्वर महादेवको तल हुन्छ कि पशुपतिनाथको गजुरको तल हुन्छ, खबरदारी छ भने म मर्यादा पुरुषोत्तम रामको कुरा गर्ने नरेन्द्र मोदीलाई के भन्न चाहन्छु भने जुन मेरो नेपाल देशको पैसामा चुच्चे नक्साको हाम्रो पैसामा छपाइयो, नरेन्द्र मोदीलाई किन आपत्ति भयो? नरेन्द्र मोदीलाई किन आपत्ति भयो भने नेपाल बहुत शक्तिशाली देश छ, नेपालका किराँतीहरू बहुत शक्तिशाली छन्, नेपालमा त बुद्धले विश्वलाई ज्ञान बाँटेका हुन्, मर्यादा पुरुषोत्तम राम त्यही सीता मैयाले गर्दा भयो र पशुपतिनाथको गजुर र किरातेश्वर महादेवको र गौतम बुद्धको लिपि लुटेर लाने अपराधीले गर्दा आज हाम्रो देशको एउटा प्रदेश एक नम्बर प्रदेशमा यही चिजको भिडन त नरेन्द्र मोदीजीले गराउनु हुँदैछ। सुन्नु यता भने नेपाली जनताले जुन 1831 सम्मको युद्ध थियो त्यो
त्यो लिपि कहाँ छ भनेर खोज्नु पर्दाखेरि कतिपय लिपिहरू जलाइए, कतिपय लिपिहरू इन्डियासँग छन्, अहिले पनि छन्। राजा महेन्द्रले उनीहरूका क्याम्प 16-17 हटाइदिनु भयो र राजा महेन्द्रको पनि हत्या भयो र नेपाली दाजुभाइ जुन हाम्रा आउने पुस्ता छन् यिनै पुस्ताहरूले यिनै कुरालाई उठाएर लडाइँ गरिरहेको सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। अगर यो चिज, यो लिपि, यो हिस्ट्री र यो संस्कार हामीले ल्याउन सकेनौँ भने हाम्रा छोराछोरीहरूले एउटा भुटानी चाहिँ ढाका टोपी र दौरा सुरुवाल कोट प्यान्ट लगाएर नेपालको एयरपोर्टमा आउँदाखेरि विदेशीको लाइनमा विदेशी बस्नु, नेपालीको लाइनमा नेपाली बस्नु भन्दाखेरि त्यो भुटानी गएर विदेशीको लाइनमा गएर बस्नुपर्ने बाध्यता हामीले देखेका छौँ। यही बाध्यता चाहिँ हामीले देख्नु पर्ला भन्ने चाहिँ मलाई धेरै ठुलो डर छ। र केपी शर्मा ओलीको कुरा आएको छ यहाँ, म केपी शर्मा ओलीज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने 12 वर्षदेखि राजनीति गरेर आउनुभएको उहाँले आज नेपाली जनता र नेपाली युवा, नेपाली युवतीको जुन एउटा हलचल छ, जुन एउटा ठुलो समस्या छ, त्यो पनि 1850-1800 चलेको आज 2081 सालसम्मको हिस्ट्रीमा ठ्याक्कै जोडिन जान्छ। यही कुरा मदन भण्डारीले गर्दाखेरि मदन भण्डारीलाई खोलामा हालेर मारियो। मदन भण्डारीले के भन्नुभयो, हजारौँ राजा, हजारौँ रजौटे र अमेरिकाका दलाल पुँजीवाद र विदेशी साम्राज्यवादीहरूले यो देशलाई हजारौँ राजा दिनेवाला छन् र यो देशलाई धेरै ठुलो खतरा हुन सक्छ 25-30 वर्षभन्दा। उहाँले यो भाषण गरेको 2048 सालमा हो र उहाँले जुन गरेको भाषण पछाडि उहाँले दिनुभएको जुन एउटा इन्टरभ्यू थियो, त्यो इन्टरभ्यू आज त्यो दिनलाई सम्झेर कालो दिन मान्छ भने राजा महेन्द्रको स्थिति पनि यही भइयो भने राजा वीरेन्द्रको पनि यही भयो भने यहाँ कोही बच्छ भन्ने छैन। किनभने यो देशको अर्थनीति, यो देशको सुरक्षा नीति र यो देशको व्यवस्था नीति कसका हातमा छ भनेर हामीले भन्दाखेरि डाइरेक्ट कनेक्सन इन्डियासँग छ। हो, त्यही इन्डियासँगै भएकै कारण यति बेला नेपालको 100 रुपियाँमा जब नेपालको चुच्चे नक्सा छापिन्छ भन्ने जब हल्ला भयो त्यसपछिबाट भारतले आपत्ति जनाएको छ। के सधैँ हामी भारतको दबाई हेपाईमा बस्नुपर्ने हो त? बोल्नुहोस्। हामीले आफ्नो राष्ट्रियको लागि र राष्ट्रियलाई, राष्ट्रियको लागि र आफ्नो मातृभूमिको लागि मर्नको लागि तपाईँले यो कुरा सोध्न जरुरी छैन। युक्रेनका जनता हेर्नु कति देशप्रेमी छन्, इन्डियाका जनता हेर्नु कति देशप्रेमी छन्, तर नेपालका जनता के भन्छन् भने इन्डियाले लगे हुन्थ्यो भन्छन्, अच्छा अच्छा दुर्गे पर्सै जस्ता भिजी लान्थे रेभिजेले भने नेपाली जनताले यो कुरा नेताले दिने होइन, तपाईँ हामीलाई यो कुरा गर्न सक्छ भने नेपाली जनताले नि सक्छ। बल्लभद्र कुबेरले दिए भन्नुभयो, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरौँ भन्नुभयो, 4 जात 36 वर्णको फुलबाडी भन्नुभयो, कदेखि ज्ञासम्म पढ्नुहोस्, कदेखि ज्ञासम्म तपाईँलाई थाहा हुन्छ 36 वर्ण भनेको के हो। ए मिडिया हो भने खोइ ती चिज यिनले अर्जेको नेपाल आज फ्या परो। नेपाली जनता अनि नेपालका मिडिया के भन्छन् भने देश कसरी बचाउने, हिजो प्रचण्डका लागि मऱ्यौ, ओलीका लागि मऱ्यौ, शेरेका लागि मऱ्यौ भने हामी अब आफ्नो आमाका लागि मर्न पाउँदैनौँ, सक्दैनौँ? यही हाम्रो अधिकार हो। राष्ट्रिय खोज्नु छ भने नेताले खोज्दैन। अहिले त पूर्व राष्ट्रपतिका जुन सल्लाहकार पनि रिसाए नि, जुन भारत जुन 100 नोटमा चाहिँ चुच्चे नक्सा राख्दा त किन? सुन्नु 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 सुन्नु, रामचन्द्र पौडेल हाँडी घोप्टेले त राष्ट्रपति भका दिनै इन्डियातिर फर्केर यसले पुरा इन्डियाका गोठालालाई बोलाएर हिन्दीमा बोलेको थियो त, यो भिजिलान्तेले, यो कालो काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्त बेचेर खायो, यसले प्रजातन्त्र खोया दिन्छ। यो प्रजातन्त्र र यो लोकतन्त्र एउटै त हो नि, लोकतन्त्र पनि भने जनताको हो, प्रजातन्त्र पनि जनताको हो, फरक त केही छैन नि। तर लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र पाउनु छ भने मिडिया दाजुभाइहरू, यिनको दुश्मन भनेको भ्रष्टाचार हुन्छ,
भ्रष्टाचार को हुन्छ? ठुल्ठुला व्यापारी, राजा महाराजा, मन्त्री प्रधानमन्त्री, ठुटे नेता, भू माफिया, मेडिसिन माफिया। अब यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न त समय लाग्छ। इन्डियामा हजारौँ राजा रजौटेले कब्जा गरे, ब्रिटिसले चलायो, आज भर्खर लोकतन्त्र देखिँदैछ, 70 वर्ष भइसक्यो भने लोकतन्त्र पनि नि तपाईँलाई भातमा पस्केको थाल होइन। अघि मैले के भने, तपाईँको सुरक्षा नीति, अर्थनीति र परराष्ट्रिय नीति इन्डियाका कब्जामा छ त तपाईँलाई लोकतन्त्र दिन्छ उसले? साम दाम दण्ड भेद उसैले दिएको, र साम पनि गरे, दाम पनि गरे, दण्ड पनि गरे, अब भेद गरे। हेर्नु पूर्वमा भेद, एक सेकेन्ड मिडिया, पूर्वमा भेद हेर्नु। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि साम दाम दण्ड भेद यिनलाई लगाएर, यिनका सात पुस्तालाई दलित बनाएर, यिनका सात पुस्तालाई पनि सुकुम्बासी बनाएर हामी नेपाली जनताले राखेनौँ भने खोयाको देश नाम मात्रै देश हुन्छ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उही विदेशमा, रेखा थापाले विदेशमा बच्चा जन्माइन्, मस्ट वेलकम भनेर मोबाइल लिएर जन्मिन्छ अब बच्चा, हो मिडिया हो। हाम्रा हजुरबाउ हजुरआमा मात्रै बस्ने हो, या यी सिद्धिएपछि यु कम कम मेडम भन्दै आउँछ बच्चाहरू। हस्, यति भन्दै जनचेतनाको लागि मानव जातिलाई क्षमा।